उज्जैन बड़नगर के भेरू पचलाना गांव के ग्रामीण करते हैं प्रतिवर्ष यज्ञ। पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय से किया जाता है यहां पर यज्ञ, जो कि प्रतिवर्ष यज्ञ गांव के प्रमुख और प्राचीन मंदिर पर ग्रामीणों का मानना है। और उनका कहना है कि हम यज्ञ करते हैं जिसकी वजह से हमारे गाँव में किसी प्रकार की समस्या परेशानी नहीं होती है और हम सब स्वस्थ निरोगी और आनंदित रहते हैं। इसका मूल मंत्र है कि हम हमारे गांव के प्राचीन और प्रमुख मंदिर में प्रतिवर्ष यज्ञ का आयोजन करते हैं, जो निरंतर पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय से करते चले आ रहे हैं। यज्ञ करने से जहां पर्यावरण शुद्ध और साफ रहता है, वहीं पर देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और बरकत प्रदान करते हैं। इसलिए हम हमारे गाँव में प्रमुख मंदिर में प्रतिवर्ष यज्ञ का आयोजन करते हैं। यहाँ पर हम सब ग्रामीण जन मिलकर भाग लेते हैं और यहाँ पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में परिवार के साथ शामिल होते हैं। जी अब बताइए, यह कौन सा गांव है और इस मंदिर का क्या नाम है और अभी यह कौन सा यज्ञ चल रहा है और कितने दिनों तक रहेगा, क्या बताइए? इस मंदिर का नाम बिल्लोकेश्वर महादेव है और के लिए यज्ञ किया जाता है। इसमें विश्व में सब प्रकार के उपद्रवों से बचा जाए और ये यज्ञ इसलिए किया जाता है कि हमारे इस संसार में अन्न की उपज अच्छी तरीके से हो, क्योंकि यज्ञ से भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं और इंद्र प्रसन्न होते हैं तो वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है, इससे सारा जीवों का पालन पोषण होता है। इसलिए यज्ञ की महत्ता है, यज्ञ के बिना ये संसार नश्वर हो जाता है। अगर यज्ञ नहीं है तो यज्ञ से वायु शुद्ध हो जाती है, प्रदूषण मुक्त हो जाता है। जिस वक्त अभी जो महामारी आई है हमारे इस देश में, कौन सी? कोरोना। अगर ये यज्ञ अगर प्रत्येक घर में होता है तो कोरोना का भी नाश हो जाता है, क्योंकि यज्ञ में इतनी शक्ति है। बाबूजी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दूले सिंह है। बाबूजी यह गांव कौन सा है, इस मंदिर का क्या नाम है? ये मंदिर का नाम है बिल्केश्वर महादेव, ग्राम बेरू पचलाना है, बड़नगर तहसील का है ये। अभी यहाँ पर ये कौन सा यज्ञ चल रहा है, कितने वर्षों से चलता है? और 11 साल से चल रहे हैं, हर साल चलता है ये यज्ञ। शिवरात्रि का 5 दिन का यज्ञ रहता है, एक कुंडी यज्ञ रहता है और होली के दूसरे दिन दूल्हे टीपे यहाँ चूल भी चाली जाती है। अच्छा, हाँ भाऊजी आपके मन में किस प्रकार से ख्याल आया कि यज्ञ करवाया जाए और किस प्रकार से? हमारे गांव में बहुत शांति मिली जब से यह यज्ञ चला, उस समय से हमारे यहाँ सब कारोबार अच्छा चल रहा है, मंदिर भी अच्छे बन रहे हैं, खेतीबाड़ी भी हमारे यहाँ सब है, सब मतलब बीमारी भी नहीं है, हमारे यहाँ सब तरह की खुशी है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता, इससे गाँव में शांति बनी रही। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।